फ्रेंड्स, वेलकम टू द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर सीरीज। टुडे वी विल बी स्टडिंग द टाइप्स ऑफ सिग्नल्स। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिग्नल्स, एनालॉग सिग्नल्स एंड डिजिटल सिग्नल्स। सो दिस डायग्राम, ये जो ऊपर डायग्राम है ये वाला, ये हमको एनालॉग सिग्नल बताता है। सो एनालॉग सिग्नल कैन बी ऑफ एनी शेप एंड इट कैन हैव लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज, इट कैन टेक लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं ये सिग्नल जो हमें दिख रहा है, ये एक एनालॉग सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है। जो सबसे सिंपलेस्ट, वी कैन से सबसे सिंपलेस्ट एनालॉग सिग्नल इज अ साइन वेव। ठीक है, ये साइन वेव हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस साइन वेव इज अ, ये जो सिग्नल हमने साइन वेव ड्रॉ किया, दिस इज अ पीरियोडिक वेव। वी कैन रिप्रेजेंट दिस वेव बाय इक्वेशन वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, वेयर ए इज द एम्पलीट्यूड एंड ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी विच इज 2πf एंड टी इज द इंस्टेंटेनियस टाइम। तो ये जो सिग्नल, ये पीरियोडिक सिग्नल नहीं है, मगर हम पीरियोडिक सिग्नल को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन वी ऑल्सो हैव डिजिटल सिग्नल्स। डिजिटल सिग्नल में क्या है, द सिग्नल हैज डिस्क्रीट वैल्यूज। ये जो सिग्नल हम देखेंगे इसके अंदर इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, मगर डिजिटल सिग्नल में इट हैज डिस्क्रीट वैल्यूज। जैसे एक वैल्यू ये है, दूसरी वैल्यू ये है, ठीक है। तो ये दो ही वैल्यू, फिलहाल ये केस में सिर्फ दो ही वैल्यू ले रहा है। सो डिजिटल सिग्नल्स इन दिस पर्टिकुलर केस दे ओनली टेक टू वैल्यूज, आइदर दे आर लो और दे आर हाई। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे ये हाई है, ये लो है। समटाइम्स वी रिप्रेजेंट दिस लो बाय जीरो एंड हाई बाय वन। तो दिस इज हाउ वी डिफरेंशिएट बिटवीन एनालॉग सिग्नल्स एंड डिजिटल सिग्नल्स। ये डायग्राम में हम देखते हैं वी हैव अ सिंपलेस्ट एनालॉग सिग्नल विच इज कॉल्ड एज अ साइन वेव। ये साइन वेव हमको दिया हुआ है। ये सिग्नल जो डायग्राम ए में दिया हुआ है, दिस इज अ क्लियर सिग्नल। नाउ ये सिग्नल क्या होते हैं, सपोज वी वांट टू ट्रांसफर डेटा, हमें डेटा ट्रांसफ़र करना है। हमारे पास एक मशीन है यहाँ पर ए, और दूसरा एक मशीन यहाँ पर है। दिस कैन बी एनी कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, कोई भी डिवाइस जिससे हम ए डिवाइस से बी डिवाइस को डेटा सेंड करना चाहते हैं। अब चाहे वायर से सेंड करना चाहते हैं या फिर वायरलेस करेंगे, उसे सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एनालॉग सिग्नल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे डिजिटल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ व्हेन वी कन्वर्ट इट इनटू एनालॉग, सपोज दिस इज अ सिंपल साइन वेव, तो क्या होगा, ये जब सिग्नल ट्रांसमिट होता है तो उसके पाथ के अंदर बहुत सारे ऐसे कुछ वजह से उसके अंदर नॉइज साथ में इसके मिक्स हो जाता है। नाउ इन केस ऑफ सिग्नल्स, इन केस ऑफ कम्युनिकेशन, व्हेन वी कॉल्ड अबाउट नॉइज, सो नॉइज इज अनवांटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफियरेंस। ठीक है, कोई और भी सिग्नल हमारे सिग्नल के साथ मिक्स होके हमारे सिग्नल को करप्ट कर सकता है। तो ये डायग्राम जो हमको यहाँ पे दिया हुआ है राइट साइड पे, ये नॉइजी सिग्नल है। दिस इज़ अ नॉइजी सिग्नल, क्योंकि ये जो क्लियर वेव नहीं है, है ना, ये इसके अंदर ऐसा, मतलब थोड़ा ऐसा डिस्टर्बेंस आ गया है इसके अंदर। ठीक है, सो दिस इज़ अ नॉइजी सिग्नल। ओके, सो नॉइज इज अ प्रॉब्लम विच इज़ एनकाउंटर्ड इन एनालॉग सिग्नल्स एंड विच कैन ऑफकोर्स करप्ट द सिग्नल। नाउ देयर आर सर्टेन एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल सिस्टम, जिसके से हम इसे स्टडी कर रहे हैं। सो वी विल स्टडी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल सिस्टम ओवर एनालॉग सिस्टम। सबसे पहला, डिजिटल सिस्टम्स आर ईजियर टू डिज़ाइन। तो अगर हम एनालॉग सिस्टम से कंपेयर करेंगे तो डिजिटल सिग्नल्स बहुत आसान है डिज़ाइन करने के लिए, बिकॉज दे ओनली हैव टू डिजिट, दे ऑपरेट ऑन बाइनरी प्रिंसिपल्स। या तो उसके अंदर जीरो रहेगा या तो वन रहेगा, डेटा स्टोर रहेगा, और पूरा ऑपरेशन इसी पर जीरो वन पर ही रहता है। तो उसको डिज़ाइन करना काफ़ी आसान है। देन इंफॉर्मेशन स्टोर करना भी काफ़ी आसान है इसके, ये केस में। अगर एनालॉग सिग्नल हम स्टोर करते हैं तो उसके लिए कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, क्योंकि अलग अलग वोल्टेज लेवल्स रहते हैं, यहाँ पे दो ही वोल्टेज लेवल रहेंगे। देन एक्यूरेसी और प्रेसिशन आर ऑल्सो ग्रेटर। एक्यूरेसी भी, हम जो रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं वो अच्छे से मिल जाता है, और प्रेसिशन का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर चीज़ को बार बार रिपीट करें तो वही रिजल्ट देगा हमें, बार बार अलग अलग रिजल्ट नहीं देगा। देन ऑपरेशंस कैन बी प्रोग्राम्ड। जो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं डिजिटल सर्किट्स, उसको आसानी से हम प्रोग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन डिजिटल सर्किट्स आर लेस अफेक्टेड बाय नॉइज़। इसके पहले हमने देखा नॉइज का इफेक्ट जो होता है एनालॉग सिग्नल को करप्ट कर सकता है, मगर डिजिटल सिग्नल में इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता नॉइज का। देन सर्किट्स जो होते हैं एनालॉग सर्किट से काफ़ी स्मॉल होते हैं। एंड देन वन मोर थिंग इज दैट दे रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ पावर एज कम्पेयर टू एनालॉग सिग्नल। सो दिस आर द एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल सिस्टम्स। Now before starting with the digital circuits, digital electronics part, we will study the numbering system. हमें numbering system study करना ज़रूरी है, तो हमें इससे पता चलेगा कि how the circuits work, how do they process the data.
तो नंबरिंग सिस्टम में कौन से नंबरिंग सिस्टम देखेंगे? नंबर वन इज डेसिमल सिस्टम, देन सेकेंड हम जो देखेंगे वो है बाइनरी सिस्टम, थर्ड इज ऑक्टल सिस्टम एंड देन फाइनली हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो ये चार सिस्टम्स हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला डेसिमल सिस्टम। तो डेसिमल नंबरिंग सिस्टम जो वर्ल्ड वाइज जो यूज़ होता है, जो हम लोग यूज़ करते हैं वर्ल्ड वाइड, दिस इज़ अ डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम इसलिए बोलते हैं कि वी यूज 10 डिफरेंट सिम्बॉल्स टू रिप्रेजेंट एनी नंबर, जैसे 0, 1, 2, 3 यहाँ से लेके 9 तक। तो 0 से लेके हम देखते हैं 9 तक देर आर 10 नंबर्स, ठीक है। 1 से लेके 9 तक 9 हो गए और 0 को मिलाएंगे तो 10। तो डेसिमल नंबर के अंदर क्या है, देर आर वी यूज 10 डिफरेंट सिम्बॉल्स टू रिप्रेजेंट एनी नंबर। तो हम जो भी नंबर रिप्रेजेंट करेंगे उसमें ये 0 से लेके 9 तक नंबर्स रहेंगे और ये हम लोग यूज़ करते हैं। नाउ ये डेसिमल नंबर सिस्टम को समझने के लिए वी कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ अ ओडोमीटर, ठीक है। हमारे पास सपोज एक ओडोमीटर है। ओडोमीटर किसको बोलते हैं? जो कार या बाइक जब हम परचेज करते हैं तो उसमें एक मतलब एक तो स्पीडोमीटर होता है, ठीक है, वो स्पीड बताता है, और सेंटर पर यहाँ पर एक मीटर होता है जो बताता है कितना ट्रैवल किया बाइक या उस व्हीकल ने कितना ट्रैवल किया, ये बताया जाता है इससे। तो सपोज़ अगर कोई गाड़ी शोरूम से बाहर निकलती है तो इनिशियली उसने कुछ भी ट्रैवल नहीं किया होता है तो इट शोज़ ऑल 0000। वैन दैट पर्टिकुलर व्हीकल ट्रैवल्स बाय 1 किलोमीटर, तो सपोज ये 4 डिजिट का ये, तो ये 1 हो जाएगा, और इट ट्रैवल करेगा तो 2 हो जाएगा, ऐसे करते करते 0003, देन इट विल बिकम 000, ऐसे सपोज 9 तक पहुंच जाएगा। अब हमें ये देखना है कि 9 के बाद, ऑफकोर्स 9 के बाद 10 होता है, मगर हम लोग ऐसा नहीं सोचेंगे। हम क्या सोचेंगे, क्योंकि हमारे पास ये डेसिमल काउंटर, ये डेसिमल ओडोमीटर है, तो 9 के बाद नंबर ख़त्म हो गए, तो 9 के बाद ये रिसेट हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और उसके बाजू में जो से 1 कर देगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 के बाद ऑफकोर्स 10 आता है, मगर ये 9 से 10 क्यों हुआ, क्योंकि 9 के बाद देर आर नो मोर सिम्बॉल्स लेफ्ट, सो 9 रिसेट्स, और जैसे रिसेट होगा बाजू जो दूसरे डिजिट है उसको एक 1 कर देगा। ये चलता रहेगा इसी तरह से 1 1, ठीक है। देन लेट अस अज्यूम द बाइक ट्रैवल्स अप टू 99 किलोमीटर्स। अब 99 के बाद क्योंकि 9 का सिम्बॉल भी ख़त्म हो गया, ये रिसेट होगा, इसको एक आगे बढ़ाएगा, ये रिसेट होगा, ये इसको एक आगे बढ़ाएगा, इस तरह से ओडोमीटर वर्क करेगा। तो दिस इज़ हाउ डेसिमल ओडोमीटर वर्क्स। और हम लोग जो गिनती करते हैं, हम लोग जो भी काउंटिंग करते हैं, यही डेसिमल काउंटिंग करते हैं। ये जो काउंटिंग हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज डेसिमल काउंटिंग, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी वांट टू सी इज हाउ द सेकेंड, वी स्टडी द सेकेंड सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एज अ बाइनरी सिस्टम। नाउ बाइनरी सिस्टम में क्या है, 2 सिम्बॉल्स आर यूज, 0 एंड 1, ये 2 ही सिम्बॉल यूज़ करेंगे हम लोग, और इसके बेस पर जो भी नंबर कंस्ट्रक्ट करेंगे ये 2 के बेस पे करेंगे, जो भी नंबर लिखेंगे 0 1 के बेस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ अ बाइनरी सिस्टम। सो हाउ टू डिफाइन अ बाइनरी सिस्टम, द नंबरिंग सिस्टम विद बेस 2, डेसिमल का बेस 10 है, बाइनरी का जो बेस होगा वो 2 होगा, क्योंकि 2 सिम्बॉल हम यूज़ करते हैं, तो बाइनरी का बेस इज 2। तो वी विल सी हाउ दिस सिस्टम वर्क्स। ये बाइनरी इसलिए हम स्टडी करते हैं कि जितने भी डिजिटल सिस्टम्स हैं ये सब के सब इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। सो देयरफॉर वी आर लर्निंग दिस सिस्टम। तो हम क्या करेंगे अभी, नेक्स्ट टॉपिक हम जो स्टडी करेंगे, हाउ टू डू द कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी, ओके। मगर उससे पहले जो हमने एग्जाम्पल दिया था आपको कि वो ओडोमीटर का एग्जाम्पल हमने ये जो हमने ऑडोमीटर का एग्जाम्पल दिया, दिस वॉज ऑफ डेसिमल ऑडोमीटर। नाउ सपोज इफ वी हैव बाइनरी ऑडोमीटर, बाइनरी ऑडोमीटर होता तो कैसे वर्क करता कि इनिशियली सब 0000 है, वो अगर बाइक 1 किलोमीटर ट्रैवल करेगी तो ये 0001 हो जाएगा। नाउ क्योंकि 1 के बाद नो मोर सिम्बॉल्स आर लेफ्ट, तो ये 1 जो है ये 1 0 हो जाएगा, और इसको रिसेट करके ये बाजू वाले को सेट कर देगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, 0 0, ये 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 1 ही रहेगा, ठीक है। अभी इसके बाद अगला नंबर क्या होगा, क्योंकि 1 के बाद कोई नंबर नहीं बचा, ये 0 हो जाएगा, इसको रीसेट, इसको सेट करेगा, ये 0 हो जाएगा, इसको सेट करेगा, तो इसको सेट करेगा, तो इस तरह से ये नंबर चलता रहेगा, ओके। सो फॉर अस दिस इज 0, दिस इज 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इस तरह से, मतलब ये सॉरी यहाँ पर लिखता हूँ मैं, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, डेसिमल के अंदर इसको कन्वर्ट करेंगे, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, ठीक है। नाउ विल सी how to convert from decimal to binary and binary to decimal. So now we'll see how to convert from
बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, वी आर गिवन अ डेसिमल नंबर, तो उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे. लेट अस टेक द फर्स्ट एग्जांपल. सपोज वी हैव अ डेटा लाइक, सपोज वी हैव सिक्स, ठीक है. तो ये सिक्स हमारे पास डेसिमल नंबर है. ये हम जब भी डेसिमल नंबर लिखेंगे इसका बेस यहाँ पे 10 लिखेंगे, ठीक है, ब्रैकेट करके बेस लिखेंगे. हमको देखना है हाउ डू वी कन्वर्ट दिस इनटू, हाउ डू वी कन्वर्ट इनटू बाइनरी. तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क डालता हूँ, ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है. व्हाट इज़ द बाइनरी ऑफ डेसिमल सिक्स. सो एक बात ध्यान में रखना है, जब भी डेसिमल टू बाइनरी करना है हम डिवाइड बाय टू करेंगे. तो लेट मी डू स्टार्ट डूइंग फ्रॉम दिस दिस साइड. तो हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है सिक्स इसको डिवाइड बाय टू करेंगे. तो थ्री टू ज़ा सिक्स, ठीक है. सो रिमाइंडर इज ज़ीरो. तो हम क्या करेंगे, ज़ीरो यहाँ पे लिखेंगे. ओके नाउ ये क्वेश्चन तीन है, तो तीन वापस डिवाइड कर सकते हैं हम टू से. तो आई टेक दिस टू, जो टू तो जो डिवाइड करना है, ये जो जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है. तो टू वन ज़ा टू, अगेन रिमाइंडर. नाउ ये रिमाइंडर इज़ वन, तो ये रिमाइंडर हम यहाँ लिखते हैं. ओके नाउ ये हो गया. अभी अभी जो वन बचा है, दिस वन कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, ठीक है, बिकॉज वन छोटा है. तो ये वन को हम लास्ट में यहाँ लिख देते हैं. सो दिस इज द कन्वर्जन, ये कंप्लीट हो गया कन्वर्जन. सो व्हाट वी हैव, दिस डेसिमल सिक्स इज बाइनरी 110, ठीक है. तो हमने क्या किया, यहाँ पे स्टेप फिर से देखते हम लोग. हमने क्या किया, जो नंबर सिक्स है उसको डिवाइड बाई टू किया, तो डिवाइड करने पर हमको ज़ीरो मिला. तो ये जो पहला जो ज़ीरो मिला हमने यहाँ पर लिखा, ठीक है. फिर जो हमको क्वेश्चन मिल रहा है थ्री, वो क्योंकि थ्री टू से छोटा है तो वापस डिवाइड कर सकते हैं, तो उसको हमने डिवाइड किया. नाउ टू वन ज़ा टू, तो फिर से हमको फिर रिमाइंडर वन मिल रहा है, तो ये वन को हमने यहाँ लिखा. नाउ ये वन जो है अभी फर्दर इट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई टू, तो ये जो वन लास्ट में जो बचा है क्वेश्चन वो यहाँ पर लिख दिया. सो दिस इज़ द आंसर. ओके तो ये एक एग्जाम्पल हुआ. लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर टू देखते हैं हम लोग. तो ये नंबर टू, नाउ सपोज वी वांट टू डू द कन्वर्जन ऑफ 21. 21 हमारे पास जो है ये डेसिमल है, इसका हमको बाइनरी करना है. सो सेम चीज़ हम करेंगे यहाँ पर. देख क्वेश्चन, आई जस्ट पुट अ क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क पुट करता हूँ. तो अभी 21 को क्या करेंगे, वे डिवाइड बाई टू. सो 21 डिवाइड बाई टू, सो 10 सॉरी 2 से डिवाइड करना है. सो 10 टू ज़ा 20, रिमाइंडर इज़ 1. तो हम 1 यहाँ लिखेंगे. नाउ दिस 10 अगेन कैन बी डिवाइडेड बाई टू, सो 5 टू ज़ा 10, रिमाइंडर इज़ 0. तो ये 0 को हम यहाँ लिखेंगे. देन ये 5 फिर से डिवाइड हो सकता है 2 से. तो 2 5, 2 टू ज़ा 4, रिमाइंडर 1. ये 1 यहाँ लिखेंगे. देन 2 अगेन डिवाइड हो सकता है, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 0. तो ये 0 यहाँ आ गया. अब ये लास्ट में जो 1 बचा है डिवाइड नहीं हो सकता, तो 1 को हम यहाँ लिख देंगे. सो दिस इज द आंसर, दैट इज 21 डेसिमल इज 10101 बाइनरी, ठीक है. सो क्या किया हमने, देखो हम फिर यहाँ पे देखेंगे. हमने क्या किया, 21 को 2 से डिवाइड किया, हमें रिमाइंडर 1 मिला, ठीक है. तो ये 1 हमने यहाँ लिख दिया, दिस इज 1. देन फिर इसको 5 टू ज़ा 10, क्योंकि 10 था क्वेश्चन, 10 था तो क्वेश्चन को हमने यहाँ पुट किया. उसको फिर से 5 से 2 से डिवाइड किया, तो 5 टू ज़ा 10 आया, रिमाइंडर 0. तो रिमाइंडर यहाँ पे लिख दिया हमने. ओके नाउ क्वेश्चन जो बचा है 5, ये 2 से अभी बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, फिर को 5 को 2 से डिवाइड करेंगे. 2 टू ज़ा 4, रिमाइंडर हमको 1 मिल रहा, तो 1 हमने यहाँ लिखा. देन ये जो क्वेश्चन मिल रहा है 2, अभी भी 2 से डिवाइड हो सकता है, तो ये 2 को यहाँ ले लिया. 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर इज 0. तो ये रिमाइंडर 0 यहाँ पर आ गया. देन फाइनली ये जो 1 है अभी डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये 1 को हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है. तो आप देखो यहाँ पर जो भी रिमाइंडर रहेगा वो 2 से कम ही रहेगा, तो 0 रहेगा या तो 1 रहेगा. सो दिस इज़ द आंसर. सो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं. नाउ ये हमने सॉल्व कर दिया. यू कैन ट्राई आउट सम एग्जांपल्स, लाइक सपोज हमको करना है 27, तो 27 का आप फाइंड कर सकते हो इसका बाइनरी क्या आएगा. देन ऑल्सो फाइंड फॉर दिस 35 का क्या आएगा. ओके यू कैन डू दिस. नाउ वी विल सी इफ वी आर गिवन अ बाइनरी नंबर, देन हाउ टू गेट द डेसिमल ऑफ दैट बाइनरी, ठीक है. तो सपोज हमको ये नंबर दिया है 101, ये बाइनरी दिया है, इसका हमको डेसिमल फाइंड करना है. तो क्वेश्चन मार्क, इसका डेसिमल फाइंड करना है. सो व्हाट वी डू इन दिस केस, हम क्या लिखेंगे, इसको 101 जैसा है वैसे लिखेंगे.
नाउ दिस वन, ये जो वन है राइट मोस्ट, इसको लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट, और जो लेफ्ट मोस्ट रहेगा उसको बोलेंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट. तो ये जो वन हमको दिया है, मैं इसको दूर लिखता हूँ, तो ये लूँगा वन इंटू टू रेस टू ज़ीरो प्लस, उसके बाद है ज़ीरो, ये हो जाएगा ज़ीरो इंटू टू रेस टू वन प्लस वन इंटू टू रेस टू टू. तो हमने क्या किया, ये पहला जो डेसिमल लिया है इसको मल्टीप्लाई विद द पावर ऑफ टू, प्लस सेकेंड जो डिजिट है बाइनरी का उसको मल्टीप्लाई विद द पावर ऑफ टू रेस टू वन, देन पावर ऑफ वन विद टू, एंड द थर्ड डिजिट उसको मल्टीप्लाई टू रेस टू टू. सो वॉट वी गेट इज टू रेस टू स्क्वायर इज फोर, ये तो जीरो ही हो जाएगा, देन प्लस टू रेस टू वन इज वन, वन वन ज़ा वन, टू रेस टू जीरो इज वन, ठीक है, एनी नंबर रेस टू जीरो इज वन, तो ये हमको वन मिल जाएगा. सो दिस इज एक्चुअली फाइव, ठीक है, इस तरह से करेंगे. सो दिस इज द आंसर, ये 101 जो बाइनरी है इट इज़ फाइव डेसिमल. या उसको और भी हम कर सकते हैं अलग तरीके से, जैसे मान लो हमको 101 दिया है तो हम क्या करेंगे, इसको इसको 101 ऐसे ही लिख देंगे, इसके नीचे लिखेंगे टू रेस टू ज़ीरो, इसके नीचे लिखेंगे टू रेस टू वन, इसके नीचे लिखेंगे टू रेस टू टू, ठीक है. तो जिसके ऊपर वन रहेगा उसको हम जैसे यहाँ पे मैं आई विल लेट दिस फोर, ये तो इसके ऊपर ज़ीरो है तो ज़ीरो ही लिख देंगे, टू रेस टू ज़ीरो इज वन, क्योंकि ऊपर वन है इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं. सो दिस बिकम्स फाइव. तो चाहे ऐसा कॉलम बना के करो, ठीक है, ये कॉलम बना के कर देंगे हम, या ऐसा करेंगे तो जिसके ऊपर ज़ीरो रहेगा उसका उसका डिजिट नहीं लिखेंगे, जिसके ऊपर वन रहेगा उसका उसका जो आंसर आता है वो नीचे लिखेंगे और लास्ट में सबको ऐड कर देंगे. ये तरीका भी चल सकता है. एनी वे, लेट अस सी अनदर एग्जांपल. सो वी हैव सेकंड वन, सो सपोज वी हैव दिस 10110, ये हमको करना है. ओके, इसका बाइनरी, ये हमारे पास बाइनरी है, इसका डेसिमल क्या आएगा, इसका डेसिमल फाइंड करना है हमको. सो हम क्या करेंगे, 10110, इसको हम कैसे लिखेंगे, ज़ीरो है यो, ठीक है, तो ये हम यहाँ पे दूर लिखते हैं, तो ज़ीरो इंटू टू रेस टू ज़ीरो प्लस, फिर ये जो वन है ये हो जाएगा वन इंटू टू रेस टू वन प्लस, फिर ये वन है थर्ड वाला वन इंटू टू रेस टू टू प्लस, फिर ये ज़ीरो है ज़ीरो इंटू टू रेस टू थ्री प्लस, फिर ये लास्ट में वन है इंटू टू रेस टू फोर. तो ये टू रेस टू फोर इज 16 प्लस, अब ये तो ज़ीरो ही है तो ये ज़ीरो हो जाएगा. अभी टू रेस टू टू इज़ फोर प्लस टू रेस टू वन इज़ टू और लास्ट में ज़ीरो है, तो 16 प्लस फोर इज 20 यानी 22 मिलेगा हमें. दिस इज़ व्हाट वी गेट. सो दिस 10110 बाइनरी इज़ दिस वन. वो जो तरीका मैं आपको बताया उस तरीके से अगर करना है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर, जैसे आई विल डू इट हियर, आई हैव स्पेस हियर, तो यहाँ लिखेंगे हम 10110 लिखेंगे, ठीक है, इसके नीचे टू रेस टू ज़ीरो, टू रेस टू वन, टू रेस टू टू, टू रेस टू थ्री, टू रेस टू फोर, ऐसा लिखेंगे हम लोग, ठीक है. तो ये कैसा होगा अभी यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है, वी जस्ट गो ऑन एडिंग ऑल द पावर्स, ठीक है. तो ये यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ये टू रेस टू फोर इज 16, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ऊपर ज़ीरो है, देन दिस इज़ फोर, टू रेस टू वन इज़ टू, टू वन ज़ार टू, तो वी गेट द सेम थिंग, दिस इज़ 22. तो आइदर दिस वे दिस विल गेट द सेम आंसर. सो नाउ यू कैन ट्राई फॉर योर सेल्फ, ये हमने कर दिया, तो आप लोग जो है ये कुछ ट्राई कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है, ये ट्राई करेंगे इसका डेसिमल क्या आएगा, ठीक है, एंड देन नंबर फोर 10101 इसका हमें डेसिमल क्या आएगा. ओके, यू कैन ट्राई दिस. नाउ सी इन द प्रीवियस केस हमने जो कन्वर्जन देखा दैट वाज ओनली फॉर इंटीजर नंबर्स. नाउ सपोज इफ वी हैव फ्रैक्शंस, अगर फ्रैक्शंस भी साथ में रहेंगे तो उसके लिए कैसे करेंगे, तो सी द विल जस्ट सी द फर्स्ट नंबर वन, लाइक सपोज इफ यू वांट टू द कन्वर्जन ऑफ 6.65, ठीक है, ये हमको करना है, ये डेसिमल है, इसका हमको बाइनरी कन्वर्ट करना है, ठीक है. तो व्हाट इज, हाउ डू वी डू, तो सिक्स का जो से हमने पहले हमको बताया कि सिक्स को डिवाइड बाय टू करेंगे, डिवाइड बाय टू, डिवाइड बाय टू करेंगे, तो सिक्स का पहले अलग से फाइंड करेंगे हम, तो सिक्स का डेसिमल ऑफ कोर्स वी विल गेट इट एज 110, जो हमने सबसे पहले किया था, इसे हम वापस रिपीट नहीं करेंगे, यू कैन बैक गो बैक एंड चेक इट अगेन.
तो नाउ अबाउट 0.65, ठीक है, ये 6 हो गया और 6 और 0.65 है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 0.65 है, ओके, 0.65 है, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, ओके, यहाँ पे डिवाइड करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रैक्शन पार्ट के लिए भी मल्टीप्लाई, सो व्हाट वी गेट इज दिस इज 13 3 carry 1, सो वी गेट दिस 1.30. अब एक बात ध्यान रखो, ये डेसिमल पॉइंटर के लेफ्ट साइड पे आइदर यू विल गेट 0 और यू विल गेट 1, ठीक है, तो इसको आंसर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जैसे अगर मैं यहाँ पे मुझे पूरा आंसर लिखना है तो मैं पूरा फिर से फ्रैक्शन पार्ट यहाँ लिखता हूँ, 6.6 का पूरा लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये 10 है, तो इसका जो आंसर इंटीजर पार्ट का मुझे मिल गया 110. तो अभी जो फ्रैक्शन पार्ट का करना है, तो जो पहला डिजिट मुझे 1 मिला है, ये 1 को मैं पॉइंट के फौरन बाद लिख दूंगा, ठीक है, फौरन बाद यहाँ लिख दूंगा ये, ठीक है, और इसको ड्रॉप कर दूंगा, तो अभी मुझे ड्रॉप कर देंगे तो व्हाट आई गेट इज 0.30, आई गेट 0.30, फिर इसको फिर से मल्टीप्लाई बाय 2 करो वापस, तो ये हो जाएगा 6, तो 0.60 मिल रहा है. अब मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है, ये पार्ट पॉइंटर के बाद जो मिल रहा है ये 0 मिल रहा है, तो ये 0 को मैं यहाँ लिखूंगा, ठीक है, देन आई कैन गो फॉर वन मोर मल्टीप्लीकेशन, और एक मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मुझे 0.60 इंटू 2 करेंगे, ठीक है, सो व्हाट आई विल गेट इज़ 1.20 मिलेगा, तो यहाँ पे मुझे जो मिल रहा है ये 1 मिल रहा है, ओके, तो ये 1 को मैं यहाँ लिख दूंगा, ठीक है. अभी और आगे मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, मगर हम लोग फिलहाल वी ओनली गो अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, इतना काफ़ी है, ठीक है, तो यहाँ तक जाएंगे. कभी कभी क्या होगा कि इन सम स्पेशल केस क्या है कि अगर मान लो आपको ऐसा मिलता 6.5 का करना है, 6.5 का अगर आपको फाइंड करना होता, ठीक है, तो 6.5 का हम 6 का तो हमको जैसे मिल जाता 110, ठीक है, तो अब अगर आप 0.5 को लेकर अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो आपको सीधा मिल जाएगा 1.0 में आप 1 तो यहाँ पे लिख दोगे तो जो 0.0 बचेगा उसको मल्टीप्लाई करके कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना. तो जब भी आपको आंसर लास्ट में कभी मल्टीप्लीकेशन के बाद 2 या 3 डिजिट का 1.0 मिले, यू कैन स्टॉप मल्टीप्लीकेशन, बिकॉज अभी आगे आपको 0.0 ही मिलने वाला है. हमारे केस में हमको 1.00 नहीं मिला, 1.00 नहीं मिला, तो हमने 3 तक करके छोड़ दिया, तो इतना भी करेंगे चलेगा. नाउ यू कैन ट्राई सम एग्जांपल्स, मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखता हूँ सेकंड वाला, यू कैन ट्राई दिस एग्जांपल, जैसे सपोज आई वांट टू फाइंड फॉर 7.75, इसका मुझे, दिस इज द डेसिमल, इसका मुझे बाइनरी करना है, यू कैन डू दिस, ओके, ट्राई दिस आउट, ठीक है. नाउ सी, इट मे ऑल्सो हैपन दैट वी हैव सम फ्रैक्शंस इन बाइनरी, अगर बाइनरी में फ्रैक्शंस रहेंगे तो उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो लेट अस सी वन एग्जांपल. सपोज हम ऐसा करते हैं 101.11, ये मुझे करना है, ठीक है, 101.11 ये मुझे करना है, इसका डेसिमल करना है, ओके, तो वो जो प्रिंसिपल हम किए थे, यूज़ किए थे, है ना, वही प्रिंसिपल जो है चाहे तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, ओके, तो मैं यहाँ पर जो है ये नंबर जो है रेड में मार्क करता हूँ, 1 जो इंटीजर पार्ट है, जो मतलब डेसिमल के लेफ्ट वाला पार्ट है, उसको मैं रेड में मार्क करता हूँ और यहाँ वाले को ग्रीन में लिखता हूँ, ठीक है, तो हमें समझ में आ जाएगा एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग. सो व्हाट आई डू, आई टेक दिस, ये पहले रेड वाला करता हूँ, कैसे करेंगे, तो रेड वाला जैसे नॉर्मली हमने लास्ट टाइम देखे थे, तो क्या हो जाएगा 2 raised to 0 प्लस इसके बाद ये 0 है, तो क्या हो जाएगा 0 into 2 raised to 1 प्लस देन वी हैव 1, तो 1 into 2 raised to 2. नाउ ये ग्रीन पार्ट के लिए मैं ग्रीन मार ये से लेता हूँ, पेन से करता हूँ, तो अब देखो ये पॉइंट ये 1 है, तो हम क्या करेंगे, ये 1 है into 2 raised to -1, ठीक है, यहाँ से लेफ्ट जाएंगे तो 1 2 3 4, यहाँ जाएंगे राइट जाएंगे तो 0 -1 -2 ऐसा आएगा. अच्छा, इसके बाद 1 है तो फिर से प्लस 1 into 2 raised to -2, ठीक है, सो व्हाट वी गेट, कैलकुलेशन कर लेंगे एक ही ब्लैक मार्कर से कर लेंगे, सो 2 raised to 2 इज ये 4 हो जाएगा, ये तो 0 है, ये 2 raised to 0 इज 1 1 1 ज़ा 1, ठीक है. नाउ 2 raised to -1 क्या होता है, 2 raised to -1 मैं अलग से यहाँ पे लिखता हूँ, देखो 2 raised to -1 इज एक्चुअली 1/2, ठीक है, 1/2 इज 0.5, तो ये 0.5 आ जाएगा यहाँ पर. नाउ 2 raised to -2, ठीक है, तो ये 1/2 raised to 2 हो जाएगा, 1/2 में चला जाए तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 इज 0.25, ठीक है. नाउ इसको हम सबको ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा, 4 and 1 5 प्लस ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 0.75, सो द आंसर इज 5.75,
ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है. दिस इज इजी. नाउ यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस, जैसे 110.1 ये कर लेंगे, ठीक है. यू कैन डू दिस, ट्राई दिस वन. सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. दिस लेक्चर, ये लेक्चर में हमने डिजिटल टू बाइनरी, डिजिटल सिस्टम्स क्या होते हैं और एनालॉग सिस्टम्स क्या होते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं डिजिटल सिस्टम्स के, और बाइनरी नंबर सिस्टम स्टडी किया. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी सम मोर नंबरिंग सिस्टम्स. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज रिवाइज दिस लेसन्स.